गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आई एम सुमित्रा मिस. दिस इज द थर्ड डे ऑफ द क्लास टू सब्जेक्ट साइंस. लेट्स वी स्टार्ट. चैप्टर वन में हम लोग क्या पढ़े थे, प्लांट अराउंड अस. इसी के कुछ पार्ट बाकी है जिसे हम लोग आज पढ़ेंगे. पार्ट्स ऑफ अ प्लांट, पौधे के भाग. रूट्स गिव सपोर्ट टू ए प्लांट, जड़े जो होते हैं वो पौधे को सहारा देते हैं. दे कलेक्ट वाटर एंड मिनरल फ्रॉम द ग्राउंड, वे पानी और खनिज इकट्ठा करती है जमीन से. देन दे सेंड देम टू द रेस्ट ऑफ द प्लांट, फिर से वे उन्हें भेजते हैं बाकी पौधे में. रूट यूजली ग्रो अंडर द ग्राउंड, जड़े जो होते हैं वे आमतौर पर बढ़ती है कहाँ पे, जमीन के नीचे बढ़ती है. स्टीम इज द मेन बॉडी ऑफ ए प्लांट, तना एक पौधे. स्टीम को क्या बोलते हैं हम लोग इंग्लिश में, हिंदी में सॉरी, तना एक पौधे के लिए मुख्य शरीर होते हैं. लीव्स ब्रांचेस एंड फ्लावर ग्रो फ्रॉम इट्स, पत्तियाँ जैसे पत्तियाँ शाखाएँ और फूल बढ़ते हैं इनसे. स्टीम यूजली ग्रो अबव द ग्राउंड, स्टीम जो तने होते हैं वो आमतौर पर जमीन से ऊपर बढ़ते हैं. इट कैरी फूड एंड वाटर टू ऑल पार्ट ऑफ द बॉडी, यह पौधे के सभी भागों में भोजन और पानी को पहुंचाते हैं. लिप्स मेक फूड फॉर ए प्लांट, पत्तियां जो पौधे के लिए भोजन बनाते हैं. इट इज कॉल्ड द किचन ऑफ द प्लांट, इसे पौधे के रसोई घर भी कहा जाता है. फ्लावर इज द कलरफुल पार्ट ऑफ ए प्लांट, फूल एक पौधे के रंगीन हिस्से होते हैं. इट्स प्रोड्यूस फ्रूट और सीड, और यह फल और बीज प्रदान करती है. फ्रूट इज द फ्लैश पार्ट ऑफ ए प्लांट, फ्रूट जो फल होते हैं, फल पौधे के मसल हिस्से होते हैं. इट्स ग्रो फ्रॉम फ्लावर एंड हैज सीड इनसाइड इट, यह फूलों से बढ़ता है और इसके अंदर बीज होती है. सीड इज दैट पार्ट ऑफ ए प्लांट फ्रॉम विच ए न्यू प्लांट ग्रो कैन ग्रो, बीज एक पौधे की वो हिस्से होते हैं जहाँ से नए पौधे की विकसित होती है. जैसे कि हम देख रहे हैं ये पार्ट ऑफ ए प्लांट है, जैसे कि इसमें देख रहे हैं स्टीम को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, स्टीम को हिंदी में क्या बोलते हैं, तो स्टीम को हिंदी में बोलते हैं तना. ब्रांच को क्या बोलते हैं, डाली. रूट को क्या बोलते हैं, जड़े. फूल को, फ्लावर को क्या बोलते हैं, बट को क्या बोलते हैं हिंदी में, कली. फ्रूट को क्या बोलते हैं, फल. लीफ को क्या बोलते हैं, पत्ती. ये हो गए पार्ट ऑफ द प्लांट. इसको आप लोग इसको भी कॉपी में फेयर कर लीजिएगा, ड्राइंग बना लीजिएगा, डायग्राम. प्लांट मेक देयर ऑन फूड, पौधे अपने भोजन स्वयं बनाते हैं. लीव्स ऑफ ए ग्रीन प्लांट मेक फूड फॉर द प्लांट विद द हेल्प ऑफ एयर सनलाइट एंड वाटर, एक हरे पौधे की पत्तियां हवा धूप और पानी के मदद से पौधे के लिए भोजन बनाते हैं. द स्टीम कैरीज दिस फूड फ्रॉम द लीव्स टू ऑल अदर पार्ट ऑफ द प्लांट, तना इस भोजन को पत्तियों से पौधे के अन्य सभी भागों में ले जाती है. फूड विच इज नॉट यूज्ड बाय द प्लांट इज स्टोर्ड इन रूट्स स्टीम लीव्स फ्रूट फ्लावर एंड सीड, भोजन जो पौधे द्वारा
भोजन जो पौधे द्वारा उपयोग नहीं किया जाता है वो जरों तना पत्तियों फूलों के द्वारा बीज में संग्रहित होते हैं। लाइफ स्पेंस ऑफ प्लांट, पौधे की जीवन काल। ऑल लिविंग थिंग टेक बट ग्रो ऑल एंड फाइनली डाई। सभी जीवित जानवर जीवित चीजें जन्म लेती है और बड़े होते और फिर अंत में मर जाते हैं। प्लांट आर ऑल्सो लिविंग थिंग। पौधे भी क्या होते हैं, वो भी लिविंग थिंग होते हैं। दे यूजली ग्रो फ्रॉम सीड एंड लिव फॉर ए फ्यू मंथ टू ए फ्यू ईयर। वे आमतौर पर बीज से उगते हैं और कुछ महीने से कुछ सालों तक जीवित रहते हैं, उसके बाद वो भी खत्म हो जाते हैं। ट्री लिव्स फॉर मेनी ईयर्स। पेड़ जो होते हैं वो बहुत साल जीवित रहते हैं। सम बानियन ट्रीज आर मोर देन 1000 ईयर। जैसे कि हम जानते हैं बानियन ट्री जो रहते हैं वो थाउजेंड ईयर्स जीवित रहते हैं, थाउजेंड ईयर्स ओल्ड। प्लांट लाइक माइंड एंड कोरंडर लिव फॉर ए फ्यू मंथ ओनली। जैसे कि पौधे में देखते हैं माइंड यानी कि पुदीना और कोरंडर मतलब हो गया धनिया, ये दोनों केवल कुछ ही महीने के लिए जीवित रहते हैं। राइट वन फंक्शन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट ऑफ ए प्लांट। ये सब का क्या करना है, हमें फंक्शन लिखना है। जैसे कि रूट है तो देख रूट में क्या होगा। दे गिव सपोर्ट टू ए प्लांट। स्टीम, स्टीम इज द मेन बॉडी ऑफ ए प्लांट। लीफ, दे मैक्स फूड फॉर ए प्लांट। फ्लावर, फ्लावर इज द कलरफुल पार्ट ऑफ ए प्लांट। फ्रूट, फ्रूट इज द फ्लेशी पार्ट ऑफ ए प्लांट। सीड, दे हेल्प ग्रो न्यू प्लांट। देन आज के लिए इतना ही रहने दीजिए। ये सब आपको फेयर करना है, यहाँ से लेके यहाँ तक आपको फेयर करना है और राइट एंड रिमेम्बर आपको ये फेयर करना है। कल हम आप लोगों को क्वेश्चन आंसर लिख कर दिखा देंगे और उसको आप लोगों को कॉपी में फेयर करनी है। अभी तक हमने जितना भी आप लोगों को ऑनलाइन क्लासेस करवाए हैं इससे सबको आप लोगों को जो जो रिमेंबर के लिए दिए हैं, जो जो फेयर के लिए दिए हैं, उस सबको आप लोगों को फेयर करना है और उसको रिमेंबर करना है। सो थैंक यू।